आज उस चीज़ को याद रखते हुए मेरा जो लाइफ में एक थॉट और मोटो था कि समाजस्य प्रधानाय बोल के हैं, जो आपने हासिल किया है उसको जो है अब सोसाइटी को वापस देना है। तो मेरा स्कूलिंग लाइफ से हम वाटर कलर से लेकर बहुत सा मीडियम में यूज़ करके आज एक स्टेट में एक पेंटर है दोस्त लोग मेरा और कई सारा दोस्त है, अरुणाचल अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ग्रुप में है, तो उसमें बहुत सारा आर्टिस्ट है, तो उन लोग का साथ में हम आर्ट को प्रमोट करता है। तो आज आके बहुत अच्छा लगा है, जो इतना आज स्कूल का जो है स्टूडेंट लोग जो अटेंडेंस दिया था बहुत अच्छा लगा है, और उन लोग भी आज का जो पेंटिंग जो है क्लास जो है अटेंड करके उन लोग बहुत खुश हैं। तो आज हम उन लोग को जस्ट एक पेंटिंग का एक जस्ट बेसिक को सिखाया था, शेडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, कलर ब्लेंडिंग, ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एक बेसिक होता है एक आर्टिस्ट को जानना चाहिए। और हम चाहता है कि ये लोग आगे जाके एक बड़ा आर्टिस्ट भी बनो, सर कहीं कहीं अलग अलग जगह में डिपार्टमेंट में या फिर अलग अलग लाइंस में सब लोग जा सकता है, फिर भी अगर आर्टिस्टिक लाइफ को अगर चॉइस करना चाहता है तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ये बेसिक आज जो हम सिखाया है उसको अगर जाके उन लोग घर में प्रैक्टिस करता है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट, कलर ब्लेंडिंग और शेडिंग, ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है लर्नर्स के लिए, तो उसको अगर वो कर पाता है उन लोग बहुत आगे जाएगा। हम अगर हमको कोई रिक्वेस्ट करता है तो हम ऑनरेरियम ये सब वगैरह का तो हम एक्सपेक्टेशन रखता नहीं है ना, तो हमको अगर देना है बोलने से आप जस्ट हमको पार्टिसिपेंट्स ला दीजिए, हम खुशी खुशी हम अपना काम को हम जैसे भी हम निभा देगा और अच्छा तरीके से निभा देगा। दिस इज़ माई सेकेंड विजिट, तो पहले बार हम जब आया था जस्ट एक कैजुअल विजिट था, इसी प्रोग्राम के लिए था कि होना कहाँ होने, ये प्रोग्राम जो हो कहाँ रहा है ना उसको देखने के लिए आया था, तो जगह भी बहुत अच्छा लगा है इसका, लैंडस्केप्स जो एक्चुअली हम एक पॉजिटिव आर्टिस्ट हैं, अरुणाचल में कई सारा है जो पॉजिटिव आर्टिस्ट ही है जो कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट वगैरह जो अच्छा वाइब्रेंट एक ये लाता है आपका एक आर्टिस्ट में उत्पन्न करता है वो आइडिया को उन लोग प्रमोट करता है। एज एन आर्टिस्ट हम लोग जो है कुछ एक्सपेक्टेशन और भी रखता है हम लोग ना, मतलब यहाँ का ऑडियंस से एंड सबसे इम्पोर्टेंटली आपका स्टेट गवर्नमेंट से, तो कई सारे बहुत लोग है कमीशन वर्क्स में अभी डिपेंड करके अपना लाइफ को भी सस्टेन के लिए उन लोग वही कमीशन वर्क्स लेकर के बैठता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट का लाइफ में यही हम मानता है कि उन लोग जो है बाहर जा कर के दुनिया बाहर का दुनिया से भी कुछ सीखना है, सिर्फ अरुणाचल का अंदर में एक अंदर में बैठ करके बाहर का बारे में इतना आइडिया नहीं होकर का यहाँ का यही में बैठ जाना है ये हम नहीं मानता है, मेरा दिल जो तो चाहता है कि यहाँ का आर्टिस्ट लोग को भी बाहर में जा कर के थोड़ा देखना चाहिए बाहर का दुनिया बाहर का गैलरी कैसा होता है, तो इसी मामले में हम स्टेट गवर्नमेंट से वही एक एक्सपेक्ट करता है कि आप अभी जो चलो म्यूरल आर्ट्स हो रहा है बाकी और ऐसा कुछ बहुत चलता है हम लोग आर्टिस्ट लोग को इन्वाइट करते हैं बहुत अच्छा बात है अच्छा है, तो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से मतलब जो है आर्टिस्ट लोग को कुछ फंड करके फंडिंग्स वगैरह दे करके आप बाहर का गैलरी में किसी गाइड का थ्रू से ना हम लोग को बाहर का गैलरी को दिखाना चाहिए, नेशनल लेवल गैलरी ये सब में कहीं कहीं ना ललित कला जैसे हो गया एक्सपोजर एक ज़रूरी है, तो ताकि हम लोग का आर्टिस्ट जो है वेल ओरिएंटेड हो जाए, तो ये चीज़ में अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर मदद कर पाता है तो बहुत अच्छा है, जैसे कि हम लोग का बाहर में बहुत कई साल से आर्ट का ट्रेनिंग लेकर के बैठा हुआ आर्ट का डिग्री लेकर के बैठा हुआ जैसे एक है आरजीयू में पुण्यो शोभिन है जो एचओडी है आर्ट डिपार्टमेंट में, और अब मेरा एक बड़ा भैया है युमलम तना सर जो वो भी बहुत एक्सपीरियंस है ये सब मामले में, और तया विवेक जैसे सर है आपका कॉम्पी रिवाज मैडम जैसा है, तो कई अलग अलग मतलब डिपार्टमेंट का है उन लोग जो ना कोई एचिंग करता है कोई पेंटिंग करता है कोई आपका स्कल्पचर करता है, तो ये सब चीज़ को बाहर में ले जा करके आर्टिस्ट लोग को थोड़ा दिखाना है कि बाहर का दुनिया में कैसे चल रहा है अभी आर्ट का दुनिया कितना प्रोग्रेस हो चुका है कितना इवॉल्व हो चुका है कितना आगे बढ़ चुका है मॉडर्न आर्ट क्या है आपका रियलिस्टिक आर्ट क्या है जो सब मतलब सब चीज़ में उन लोग थोड़ा ये करने से ठीक है आर्टिस्ट लोग तो आर्टिस्ट लोग का तो विलिंग है कि हम लोग बाहर जाकर एक्सप्लोर करें कुछ ना, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा मदद मिल जाने से हम लोग का स्पेशली ये आफा ग्रुप को बहुत अच्छा रहेगा उतना ही है।